हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है। यहां पर देख सकते हैं बॉर्डर पर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखा है। ठीक है, यहां पर फॉर्मेटिंग लगी हुई है, यहां पे कुछ कलर भी लगे हुए हैं बैकग्राउंड पर, जैसे कि यहां पर कुछ कलर लगा हुआ है। आप इस कलर को यहां से जाके चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर चेंज करेंगे तो चेंज हो भी जाएगा। ये देख लीजिए, यहां पे ब्लैक कलर आ गया। और अगर कोई और कलर लगाना चाहते हैं तो कोई और कलर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे व्हाइट आ गया। अब देखिए यहां पर मैं चेंज करता हूं फिर से, तो ये मैंने कर दिया थोड़ा सा येलो कलर टाइप का। तो ये कुछ इस तरह से ये फॉर्मेटिंग लगी हुई है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये बैकग्राउंड पे कलर लगा हुआ है, ये बोल्ड है, और ये बॉर्डर की साइज जो है काफी, विड्थ जो है काफी मोटी है। तो अगर ये फॉर्मेटिंग एक बार में आप हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ये लीब्रा कैल्क है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप करेंगे कैसे ये, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो कॉमन हो गया है, लेकिन लीब्रा कैल्क का क्या है? तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। ये देख सकते हैं आप, कंट्रोल के साथ एम भी प्रेस कर सकते हैं। आप यहां पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग एक बार में हट जाएगी। अब ये देखिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट बन गया, मतलब कि बोल्ड हट गया इसमें से। अगर मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूं तो ये बोल्ड हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल बी हमें प्रेस करना नहीं है। ये इसी स्टेज में था जबकि हमने फॉर्मेटिंग हटा दिया था। तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये फॉर्मेटिंग हटाना कैसे है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।